हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर चिकन पड़ा हुआ है, मैंने रखा हुआ है इसको। और आज बनाने वाली हूँ मैं चिकन फ्राई की बहुत ही इजी रेसिपी। इसके पूरे मसाले वसाले हैं तो मैं सबको अलग अलग से बताऊँगी आपको कि क्या है और कितना डलेगा, ठीक है गाइस? तो बहुत ईजी वे में चिकन फ्राई अगर आपको बनाना है जल्दी जल्दी तो आप क्या क्या करेंगे उसके लिए मैं आप लोगों को के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। अगर पसंद आएगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, मसाले मैंने निकाल लिए हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा मैंने कौन कौन से मसाले निकाले हैं गाइस। तो देखिए, ये है मतलब नींबू, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हल्दी है मैंने थोड़ी सी ली है, हाफ टेबल स्पून है। मिर्च हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो ये है 1 टेबल स्पून मिर्च, सुर्ख मिर्च। और ये जो है कि अरारोट है, और ये चावल का आटा है, और ये थोड़ा सा बेसन है, और ये काली मिर्च है। और नमक मैंने ऑलरेडी इसमें भी स्प्रिंकल कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी नींबू। जो दोनों टुकड़े थे नींबू के वो पूरा का पूरा मैं इसमें डालूंगी, और इसकी बीज जो है वो अलग कर लूंगी। और भी बीज है, नींबू डालने के बाद से मैं इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। हाथ से ही करेंगे इसलिए कि हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, स्पून से करने पे सही नहीं होता है। पर जब मिर्च डाल देते हैं तो स्पून से ही करना पड़ता है क्योंकि मिर्चें हाथ में लगती हैं बहुत। ये अच्छे से मिला लिया है मैंने, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से नमक और नींबू मैंने इसे मिला लिया है। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल के मिलाऊंगी और मैरिनेट करके लगभग दो ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। देखिए फ्रेंड, मिर्च छोड़ के मैंने सारी चीज़ें इसमें मिला दी हैं, और मिर्च बाद में मिलाऊँगी ताकि हाथ में ना लगे। और फ्राई को बहुत ही ज़्यादा खस्ता करने के लिए मैंने एक बहुत ही अपनी स्पेशल ट्रिक यूज़ की है, और वो ट्रिक है कि आप इसमें दूध मिलाइए। और मैंने इसमें दूध और वो सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना, उसे मैंने बिना गर्म किए ही ऐसे ही कच्चा मिलाया है गाइस। तो बस अब ये हो गया है मेरे हिसाब से पूरा मैरिनेट। अब ये जाएगा फ्रिज के अंदर और ये निकलेगा 2.5 घंटे बाद, और तब मैं इसे फ्राई करूँगी और आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। ओके गाइस। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए 2.5 घंटे हो गए थे और अब मैंने इसे फ्राई कर दिया एक बैच को, मतलब थोड़ा सा, और यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर खाना वाना निकाल दिया है और ये फ्राई हो रहा है बस एकदम गर्मा गर्म फ्राई के साथ दाल चावल, क्या ज़बरदस्त लगता है गाइस। मैंने बहुत इजी रेसिपी बताई है, देखिए बहुत आसानी से बन रहा है ये। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट जैसा रेस्टोरेंट जैसा है। हाँ, मुझे तो खैर अपना ही बनाया हुआ पसंद आता है बस, और कोई ही बनाता है मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं मुझसे कि और क्या क्या डालते हैं, या इसका वो एक ट्रिक तो मैंने बताई ही थी कि मैंने इसमें दूध मिलाया था, और दूध से बहुत ही खस्ता बनता है, और ये कोई नहीं करता है, ये सिर्फ मैं ही करती हूँ। ये मुझे भी किसी ने बताया था लेकिन उसका नाम मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, उन्होंने कहा था कि मत बताइएगा। ये बहुत अच्छा, आप मैं इसे निकाल रही हूँ, दूसरा बैच डालूँगी। इसे देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर बिल्कुल ही अच्छा, और इसे स्टील के प्लेट में निकालने का यही मकसद है कि बहुत गर्म है ना, तो फाइबर की प्लेट में नहीं निकाल सकती। और अब मैं ये दूसरा बैच डाल रही हूँ इसमें। सबसे पहले जो है कुछ देर के लिए एकदम तेज़ चूल्हा करते हैं एकदम हाई पे, और उसके कुछ थोड़ी देर बाद जो है कि एकदम स्लो कर देते हैं, इससे मतलब जो है कि अच्छे से पकता है, कल अच्छे तरीके से पक जाता है। बस ये डल गया और इसे मैं डाल दी धुल। अभी आप फ्लेम देख सकते हैं कि बिल्कुल हाई पे है, और जब कुछ देर के बाद से मैं इसे वापस पलट दूँगी सबको, और फिर इसके बाद मैं लो पे कर दूँगी चूल्हा। लग गया है और देखिए फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे हो गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो कुछ देर तक ये लगभग 5 to 8 मिनट में चाह से या 10 मिनट तक मैं स्लो फ्लेम में बनेगा, उसके बाद इसको टेस्ट करके बिल्कुल लाल कर लेंगे। बस हो गया। तो ये थी रेसिपी, बताइएगा कैसी लगी। और अगर किसी और चीज़ की रेसिपी इजी वे में चाहिए होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।